वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो इस वीडियो में हम एक और ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो भी ग्रोथ हार्मोन है ये प्रमोटर हार्मोन नहीं, ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। प्रमोटर और इनहिबिटर के बीच का फर्क पहले दिमाग में क्लियर कर लो। प्रमोटर का मतलब है जो ग्रोथ को एनहांस करता है, ग्रोथ में वृद्धि करता है, बढ़ोतरी करता है, उसे जो है वो बढ़ाने का काम करता है, एनकरेज करता है। और ग्रोथ इनहिबिटर जो हार्मोन होता है ये ग्रोथ जो है उसे रोकने के लिए काम करता है। जैसे कि अगर फ्लावर आ गया तो उसे जो है वो जल्दी जल्दी फ्रूट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि फ्रूट जहाँ पे फ्रूट तैयार हो जाए, मतलब उसकी ग्रोथ वहाँ पे अब क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ को जो है वो आगे बढ़ाने वाले जो हार्मोन है उसे प्रमोटर कहा जाता है, और ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्टॉप करने वाले जो हार्मोन है उन्हें ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहा जाता है। हमने जो है वो अभी तक के जो भी हार्मोन्स देखे उसमें ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीन ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वही हमने जो लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें जो इथिलीन हार्मोन देखा था और एब्सेसिक एसिड जो आज हम देखने वाले हैं, ये दोनों ही जो है वो प्रमोटर नहीं बल्कि इनहिबिटर हार्मोन है। ठीक है, तो आज जो है वो हम एब्सेसिक एसिड के बारे में बात करेंगे, विच इज अगेन अ हार्मोन। ठीक है, नाउ फाइटो हार्मोन, जो भी एब्सेसिक एसिड है, एब्सेसिक एसिड जो है ये नेचुरली ग्रो होने वाला एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। देखो क्या कहा है, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, मतलब जो भी ग्रोथ है उसे नेचुरली जो है वो इनहिबिट करना, स्टॉप करना, या कहीं ना कहीं उसे जो है वो कम करना, ये काम करने का काम जो है वो एब्सेसिक एसिड करता है। ठीक है, नाउ कार्न्स एंड एडिकॉट, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन द ईयर 1961 टू 1965 ऑब्जर्व दैट शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल वॉज ड्यू टू अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज एब्सेसिन 1 and 2। नाउ ये दोनों ही जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है वो कॉटन का जो बॉल होता है, आपने देखा होगा कि रुई का जो पेड़ होता है उसमें रुई जो है वो एक बॉल फॉर्म में लगती है, पहले वहाँ पे फ्लावर लगते हैं, दैट फ्लावर इज देन कन्वर्टेड इनटू अ बॉल ऑफ अ कॉटन। ठीक है, तो वो जो कॉटन बॉल है वो जल्दी जल्दी शेड ऑफ हो रहा था, मतलब झड़ रहा था। क्यों? तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि ये झड़ने का कारण क्या है, तो उन्हें पता चला कि ये झड़ने का कारण जो है वो एक केमिकल है जो है एब्सेसिन 1 and एब्सेसिन 2। ठीक है, इसकी वजह से ये जो भी कॉटन बॉल है ये शेड ऑफ हो रहा है, ये उनका जो है वे एक ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद में जो है वेयरिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन द ईयर 1963 हैव आइसोलेटेड अ सब्सटेंस फ्रॉम बर्ड्स ऑफ एसर, एसर ये एक प्लांट का नाम है, ठीक है, एसर दैट कैन इंड्यूस बर्ड डॉर्मेंसी एंड नेम्ड इट एज डॉर्मिन। मतलब वेयरिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो एसर के बर्ड से जो है वो आइसोलेट किया, उसमें से जो है वो निकाला, और उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि वो जो है वो बर्ड की डॉर्मेंसी, मतलब वो जो बर्ड है उसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, डिले कर रहा है। वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके जो बर्ड है उसकी एक्टिविटी को डिले करने वाला जो सब्सटेंस है वो एक केमिकल है, और उस केमिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, डॉर्मिन, मतलब जो डॉर्मेंसी को क्या कर रहा है, उसमें इंड्यूस कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो वेयरिंग का एक जो है वो आइसोलेशन उन्होंने किया। इसके बाद में ये दोनों ही सब्सटेंस जो हैं, ये दोनों ही सब्सटेंस को जब देखा गया, स्टडी किया गया, तो ये देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्चुअली एक जैसी हैं, और हो सकता है कि ये दोनों सब्सटेंस एक ही हो। और उसके बाद में ये दोनों सब्सटेंस को एक कॉमन नाम दिया, वो था एब्सेसिन एसिड। ठीक है, तो एब्सेसिन एसिड जो है ये उसको नाम दे दिया गया, ये दोनों सब्सटेंस, वेदर इट में भी डॉर्मिन या फिर वेदर इट में भी जो है जो भी सब्सटेंस आइसोलेट किया गया है, ठीक है, और एब्सेसिन 1 and एब्सेसिन 2, तो इसको जो है वो एक ही नाम दे दिया, वो है एब्सेसिन एसिड। ठीक है, एब्सेसिन का मीनिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एजिंग, ठीक है, एजिंग करना। देन इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स
एंड सीड्स, ठीक है। तो ये जो भी सब्सटेंस है ये प्लांट में कहाँ कहाँ पर नेचुरली प्रोड्यूस होता है, पाया जाता है, तैयार होता है, वो है लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड सीड। ऐसे ये तीन चार जगहों पे जो है ये ज़्यादातर जो है वो तैयार होता है, ठीक है। केमिकली अगर हम देखें तो ये एक केमिकल कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ 15 कार्बन सेस्क्यूटर पेंटोइड। सेस्क्यूटर पेंटोइड ये जो भी है ये एक सब्सटेंस है, केमिकल कंटेंट है, ठीक है। विच इज एंड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, ये जो भी सब्सटेंस है ये कहाँ से तैयार हुआ है, तो ये जो है वो मेलवोनिक एसिड से तैयार हुआ वाला सब्सटेंस है, ठीक है। तो अगर हम केमिकल कंटेंट या केमिकली जो एब्सेशन या एब्सेसिक एसिड का नाम बोले तो वो क्या है, ये है 15 कार्बन सेस्क्यूटर पेंटोइड, ठीक है। सेस्क्यूटर पेंटोइड ये सब्सटेंस जो है ये केमिकली है। देन इसके बाद में इस तरह से जो है वो हमने देखा कि व्हाट इज एब्सेसिक एसिड और उसका जो है वो केमिकल कंटेंट कैसा है, उसका डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। अब जो है वो हमको देखना है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ABA मतलब होता है एब्सेसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सेसिक एसिड अगर हम किसी भी प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें या उसमें वो तैयार होता है नेचुरली, तो उसमें आपको क्या क्या फर्क नजर आएंगे, क्या क्या चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इट प्रमोट्स एब्सेशन एंड एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड इंड्यूस डॉर्मेंसी इन मैनी प्लांट। मतलब ये क्या कर रहा है, लीव्स जो है उसका एब्सेशन कर रहा है। एब्सेशन का मतलब होता है जैसे कि आपने ये एक प्लांट का ब्रांच है, ठीक है, प्लांट का ब्रांच है, यहाँ पर जो है वो लीफ लगी हुई है। अब बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ एब्सेसिक एसिड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह के बाद में यहाँ पे एक एब्सेशन लेयर तैयार हो जाती है, ठीक है। ये एब्सेशन लेयर जो है यहाँ पर इस लेयर में धीरे धीरे जो है ये एब्सेसिक एसिड का कंटेंट बढ़ते चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये जो भी लीफ है ये इस पेड़ से, ये जो पत्ती है ये इस पेड़ से टूट कर नीचे गिर जाती है। मतलब ये जो भी एब्सेसिक एसिड है ये लीफ को जो है वो प्लांट से अलग, क्योंकि एक समय के बाद में जब लीफ जो है वो उसकी एजिंग हो जाती है, वो जो है वो अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो है वो कैपेबल नहीं होती, उसकी फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है, ऐसे समय में जो है वो एब्सेशन लेयर तैयार होती है और उसके बाद में ये लीफ जो है वो उस प्लांट से अलग हो जाती है, टूटकर गिर जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो लीफ के एब्सेशन को प्रमोट करता है ये हार्मोन। इसके अलावा इट आल्सो इंड्यूसेस डॉर्मेंसी, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रोथ को डिले करना, ग्रोथ को जो है वो लेट करना, ये काम किसका है, एब्सेसिक एसिड का है। तो यहाँ पे वो वही कर रहा है कि जो भी सीड है उसकी डॉर्मेंसी को बढ़ाना या बर्ड की डॉर्मेंसी को बढ़ा देना ताकि जल्दी जल्दी जो है वो प्लांट की ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो ये वो करता है। देन इसके बाद इट कंट्रोल्स द डॉर्मेंसी इन बर्ड एंड सीड। जैसे बताया कि डॉर्मेंसी जो है ये दोनों ही बर्ड में भी इंड्यूस करता है और सीड में भी। इंड्यूस करना मतलब इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, मतलब उसमें वो डालना। तो ये बर्ड में भी जो है वो इनहिबिशन मतलब उसकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करने वाला फैक्टर डाल सकता है और सीड में भी, ठीक है, उसकी डॉर्मेंसी को बढ़ा सकता है, इनएक्टिव पीरियड को बढ़ा सकता है, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेस। मतलब ग्रोथ प्रोसेस को वो क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। देन इट एक्सेलरेट द सेनेसेंस ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, एजिंग। तो जल्दी जल्दी ये जो है वो क्या करता है, अगर ज़्यादा मात्रा में एब्सेसिक एसिड प्लांट में तैयार होता है तो उसकी जो लीव्स हैं, उसके जो फ्लावर्स हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं, ताकि जो है मतलब जल्दी जल्दी उनकी ग्रोथ एजिंग बढ़ने लगती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो उस प्लांट से टूटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है। देन इट इनहिबिट्स एंड डिले सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन एंड सप्रेसेस कैम्बियम एक्टिविटी बाय इनहिबिटिंग माइटोसिस इन वैस्कुलर कैम्बियम। अब ये क्या कर रहा है, जो भी प्रमोटर हार्मोन करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा कर रहा है ये, ना सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, मतलब सेल डिवीजन नहीं होने दे रहा जल्दी जल्दी, सेल इलोंगेशन भी जल्दी जल्दी नहीं होने दे रहा है, प्लस इसके अलावा जो है वो जो भी कैम्बियम की एक्टिविटी है
ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम की, क्योंकि वो एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम ऐड करता है, तो उसकी एक्टिविटी को भी वो क्या कर देता है, स्लो कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जल्दी नहीं होती, ठीक है, उसकी ग्रोथ को वो डिले करने लगता है। देन इसके बाद में एब्सिसिक एसिड कुड कॉज इफ्लेक्स ऑफ कैल्शियम आयन, सॉरी पोटेशियम आयन फ्रॉम द गार्ड सेल्स एंड रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अब क्या होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एब्सिसिक एसिड जो है वो तैयार हो रहे हैं, अगर लीफ में ज़्यादा तैयार हो रहा है, तो वो उसकी वजह से वो क्या करता है कि जो भी गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स आप लोगों को पता होगा कि जो भी लीव्स होती हैं, ठीक है, ये जो भी लीफ होती है इसके अंदर में जो है वो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, स्टोमेटास होते हैं। अब ये जो भी स्ट्रोमेटा हैं, ये स्ट्रोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है, ये जो है, अच्छा ऐसे बनाएंगे, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं दोनों। अब ये गार्ड सेल के बीच में जो है ये ओपनिंग है, ठीक है, अगर ये खुला हुआ, मतलब ये दो छेद होते हैं इस तरह से, दो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल्स जो हैं इनके बीच में एक होल होता है, ठीक है, वो जो है ये गार्ड सेल्स और होल मिलाकर जो है, ओपनिंग मिलाकर स्टोमेटा कहलाते हैं। ये स्टोमेटा जो है वो कब खुला रहेगा, जब गार्ड सेल्स जो हैं वो खींचे रहेंगे, ठीक है, इनके बीच का जो गैप है ओपन रहेगा, इसकी वजह से अगर स्टोमेटा ओपन है, मतलब इनके अंदर इसमें जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ वाटर गैसेस ये सब चीज़ हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब ये जो भी गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर का जो वाटर है या इनके अंदर का जो आयन कंटेंट है वो अगर कम हो जाता है, तो ऐसे समय में वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, उनके वो पास पास में आ जाते हैं और उनके बीच का जो ओपनिंग है वो बंद हो जाता है। मतलब अगर ओपनिंग खुला है तो हम बोलते हैं स्ट्रोमेटाज आर ओपन, और जब वो बंद हो जाता है हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा जो है वो बंद है, ठीक है। स्ट्रोमेटा खुला होना प्लांट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस करना है तो स्ट्रोमेटा ओपन होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, गैसेस आना जाना, वाटर वेपर जो है वो फॉर्म होना, ये सारी चीज़ें जो है ये फोटोसिंथेसिस का भाग है। अगर स्ट्रोमेटा ओपन नहीं रहेगा, बंद रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इट लोअर्स डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड ये जो है वो क्या कर रहा है, पोटेशियम आयन को जो है वो गार्ड सेल से ले रहा है, इफ्लेक्स कर लेना, यानी क्या, वहाँ से जो है हम मराठी में बोलते ना हिसक लेना, उससे जो है वो छीन लेना, तो वो वैसा करता है, जिसकी वजह से जो है वो गार्ड सेल्स जो है उनमें ऐसी एक्टिविटी होती है कि जो भी स्ट्रोमेटा है वो खुलने के बजाय या खुले रहने के बजाय बंद हो जाता है, और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कम होगा। फोटोसिंथेसिस कम होगा तो ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ के ऊपर असर पड़ेगा, ग्रोथ भी कम होगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट जो है वो एब्सिसिक एसिड का है। इस तरह का जो इफेक्ट है या इस तरह का जो वो काम करता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसे जो है वो एक्चुअली जो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, तो अगर स्ट्रोमेटा बंद हो गए तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इसलिए उसे कहा है एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मतलब ट्रांसपिरेशन को ना करना, स्टॉप करना या रोक देना, ठीक है। देन इसके बाद में इट एक्ट एज अ स्ट्रेस हार्मोन, लेकिन ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है, स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है, मतलब एक्चुअली क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन की तरह ये काम कर रहा है, मतलब एक्चुअली जो प्लांट है उसके अंदर वो ये क्षमता लाता है कि जो एडवर्स कंडीशन है, जो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसमें भी प्लांट अपने आप को जिंदा रख सके, इसलिए वो जो है ये हार्मोन प्लांट के अंदर वो कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल एडवर्स कंडीशन, यानी क्या, अनफेवरेबल कंडीशन को भी वो जो है वो आसानी से फेस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एब्सिसिक एसिड जो है उसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में भी तैयार होता है। मतलब एक प्लांट है जिसको जड़ों में पानी नहीं मिल रहा है, या जो है वो बहुत तेज धूप है और वो उस तेज धूप में जो है वो अपने आप को जो है वो जिंदा नहीं रख पा रहा है, तो ऐसे समय में जो है वो प्लांट क्या करता है, दूसरा कोई हार्मोन तैयार करने के बजाय
एब्सेसिक एसिड तैयार करता है, जिसकी वजह से जो है वो उस प्लांट को उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी जिंदा रहने के लिए हेल्प करता है। इसलिए उसको मतलब स्ट्रेस के दौरान तैयार होता है, इसलिए उसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, देन इट इनहिबिट्स फ्लावरिंग एंड सॉरी फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट बट स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। नाउ लॉन्ग डे प्लांट जो है उनमें वो फ्लावरिंग को डिले करता है, इनहिबिट करना है यानी डिले करता है, रोक देता है। लेकिन शॉर्ट डे प्लांट जो है इन्हें इनमें जो है वो फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है, मतलब जल्दी जल्दी फ्लावरिंग आनी चाहिए, इसका जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से जो है यू कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ एब्सेसिक एसिड ऑन द फिजियोलॉजी, मतलब प्लांट की जो बॉडी है, प्लांट की जो एक्टिविटी है, फंक्शन है, उसके ऊपर एब्सेसिक एसिड का ये सारा असर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम जो चैप्टर देख रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में ही हमको देखना है एज पर आपका जो सिलेबस अभी आया है। ठीक है, तो इस तरह से एब्सेसिक एसिड के साथ में ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसका रिविजन जो है वो हम ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एब्सेसिक एसिड रह गया था, तो आज हमने वो कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये जो है वो ख़त्म हो गया। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है जिसका हमने आगे का पोर्शन लिया था ऑनलाइन में, और उसके पहले का जो स्टार्टिंग पोर्शन जिसमें मेंडल के लॉज प्रिंसिपल्स ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी हमने ऑफलाइन डिस्कस की थी, मतलब जब हमारे क्लासेस चालू थे, तो हम जो है वो ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग से फिर से लेने वाले हैं और अप टू जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन वहाँ तक के। ठीक है, तो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ये चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये जो है ये वीडियो के थ्रू आपको जो है वो कॉलेज, जैसे आपको पता है कि आपके कॉलेजेस में भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलना चाहिए, इसीलिए इस तरह का जो है ये चैप्टर हम वापस से जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। प्लस रिवाइज करने का एक और बड़ा कारण है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए भी ये चैप्टर जो है वो हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।